निशा रसोई की आज की रेसिपी है पानी पूरी। ये मैंने अखी मूंग ले ली हूँ, इसको रात भर भिगो ली हूँ। इसको खाली मैं बॉईल कर लूँगी नमक डालकर। और ये है लगड़ा, ये वटाने मैंने वाइट वाले, इसको भी रात भर भिगो के रख ली हूँ। एक आलू कट कर ली हूँ इसको। और ये मीठी चटनी, ये गुड़ है, ये इमली है। और ये है चाट मसाला, ये अदरक का पाउडर, ये नमक, ये भुना हुआ जीरे का पाउडर, ये काला नमक, ये मिर्ची पाउडर। और एक चम्मच भर के मैंने लगड़े के लिए बेसन ले ली हूँ। और ये तीखी पानी की चटनी है, अदरक है, लहसुन है, तीन हरी मिर्ची है, एक मुट्ठी धनिया है, एक मुट्ठी पुदीना है। और ये है हींग, ये है काली मिर्च पाउडर, ये है काला नमक, ये है चाट मसाला, ये है भुना हुआ जीरे पाउडर का पाउडर, और ये है नमक, और ये है पानी पूरी। वटाने में मैं हल्का नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर डाल के, अब हल्का सा मैं हल्दी पाउडर डालूंगी और वटाने को गला दूंगी। इमली को मैं धो चुकी हूँ, अब इमली के साथ मैं गुड़ को भी ऐड कर दूंगी और मैं सारों को पका दूंगी। अब मैं पुदीना, धनिया और तीन हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन को मैं अच्छे से पीस लूंगी। अब मैं इसमें बर्फ ऐड कर दूंगी ताकि इसका कलर बरकरार रहे, ग्रीन ग्रीन, काला नहीं पड़े चटनी का। बर्फ डाल के मैं ये चटनी को पीस लूंगी। चटनी को मैंने ठंडा पानी और बर्फ डालकर पीस चुकी हूँ और ये चटनी रेडी हो चुकी है। अब चटनी को मैं निकाल लूंगी। एक गिलास भरकर मैंने ठंडा पानी ऐड कर ली हूँ और मिक्सर की वाटी में मैं अच्छे से ये घोलकर इसको मिला दूंगी। अब चटनी में सारे मैं मसाले ऐड कर लूंगी और इसको मैं अच्छे से मिला दूंगी। चटनी को मैं मसालों में मिला चुकी हूँ, अब मैं इसको ठंडे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। वटाने को मैंने 3-4 सीटी ले ली हूँ। अब आलू को मैंने कट कर ली हूँ, इसको भी मैं ऐड कर लूँगी। और एक चम्मच भरकर मैंने छोटा बेसन घोल ली हूँ, इसको भी मैं ऐड कर दूँगी और मैं 3 सीटी ले लूँगी। इमली और गुड़ को मैंने उबाल ली हूँ, अब मैं इसको ठंडा होने के बाद पीस लूँगी। अब तेज पानी को मैं छान लूँगी, अच्छे से मैं इसको मिलाकर छान लूँगी। इस तरीके से मैं तेज पानी को अच्छे से छान लूंगी। 2 गिलास मैंने ठंडा पानी डालकर और इसको अच्छी तरीके से छान चुकी हूँ, देख सकते हैं आप, ये पानी को मैंने छान लिया। अब मीठे पानी को भी मैंने इमली और गुड़ को पीस चुकी हूँ, अब इसको भी मैं अच्छे से छान लूंगी। अब इमली के मीठे पानी को भी मैं अच्छे से छान ली हूँ और इमली का ये सारा पल्प मैंने निकाल लिया। इमली के और गुड़ के पानी को भी मैं अच्छे से छान चुकी हूँ, अब मैं सारे पाउडर मसाले इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लूंगी। अच्छे से मैं मसालों को इमली और गुड़ के पानी में मिला लूंगी। लगड़ा तैयार हो चुका है पानी पूरी का और ये अच्छे से गल चुका है, देख सकते हैं आप कि वटाने कितने अच्छे से गल चुके हैं। और ये अब मूंग में मैं 1/2 चम्मच नमक डाल दूंगी, इसको 2 सीटी ले लूंगी, बॉईल कर लूंगी। मूंग को मैंने अच्छे से बॉईल कर ली हूँ, देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मूंग गल चुकी है। पानी पूरी रेडी हो चुकी है। ये मूंग है अखी, इसको मैंने बॉईल करके ले ली हूँ। ये है तेज पानी और ये है लगड़ा और ये है मीठा पानी और ये है पानी पूरी। अब मैं आपको पानी पूरी को एक बनाकर दिखाती हूँ। मैं इसमें लगड़ा ले ली, इसमें मैं थोड़ा मीठा पानी ले ली और इसमें मैं तीखा पानी ले ली। ये हो गई मेरी लगड़ी की पानी पूरी, देख सकते हैं। अब मैं आपको मूंग की पानी पूरी बनाकर दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें मूंग और बूंदी भर ली
अब इसमें मैं मीठा पानी भर लूंगी और इसमें मैं तीखा पानी भर लूंगी। पानी पूरी रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आपके पानी पूरी कितनी बढ़िया बन चुकी है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो।